दोस्तों एक्सेल डे 9 चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आ जाते हैं एक्सेल में। अब हम आ गए एक्सेल में। एक्सेल में आज हम सीखेंगे लिस्ट ऑफ फार्मूलाज और फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है लेन। लेन क्या करता है? लेन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स हैं वो काउंट करके आउटपुट दे देता है। तो चलिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी लेन पे क्लिक करते हैं और प्रैक्टिस शीट में आ गए। लेन का सिंटेक्स क्या है? लेन लेन ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन्स आप डबल कोट ओपन और डबल कोट क्लोज के अंदर टेक्स्ट दे देंगे तो वो भी काउंट करेगा, रेफरेंस दे देंगे तो वो भी काउंट करेगा। तो इक्वल टू लेन टैब प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं नेम एलन मस्क, सेल कौन सा है B5, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए इसने काउंट कर लिया 9। क्या ये सच में 9 है? काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स है। तो इसने 9 कैसे काउंट किया? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पेस है। अगर मैं स्पेस डिलीट कर देता हूँ तो 8 काउंट करूँगी। मीन्स ए इसका एक लूप होल से अगर स्पेस रहेगा तो स्पेस को भी काउंट करेगा। नेक्स्ट हम टेक्स्ट अगर इसके अंदर ही काउंट कर सकते हैं, इक्वल टू लेन डबल कोट ओपन, यहाँ पे नेम डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए नेम में कितना कैरेक्टर था 4, तो उसने काउंट कर लिया। इस तरह आप लेन प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे जितने भी नेम्स है उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो इक्वल टू लेन यूज करके। तो ये हो गया हमारा लेन। नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट क्या करता है? ज्वाइन टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन स्ट्रिंग। जैसे कि सेल ए और सेल बी में दो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है तो उसको ज्वाइन करके वन स्ट्रिंग बनाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का सिंटेक्स क्या है? कॉनकैटिनेट टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 ऐसा। तो चलिए इक्वल टू कॉनकैटिनेट देन टेक्स्ट 1 का रेफरेंस दे देते हैं, कॉमा टेक्स्ट 2 का रेफरेंस दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ये देखिए आ गया कॉनकैटिनेट। ये हो गया हमारा कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट को आप अगर टेक्स्ट मींस फार्मूला के अंदर ही ऐड करना चाहते हैं कॉनकैटिनेट, यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया था। अब हम बिना रेफरेंस के चेक करते हैं। अगर कोई भी टेक्स्ट आपको देना है तो यहाँ पे डबल कोट में देना पड़ेगा। डबल कोट ओपन कर लेते हैं, ln टाइप करते हैं, डबल कोट क्लोज। देन देखिए टेक्स्ट 1 के बाद क्या है, उसने कॉमा दिया है। ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे, तो कॉमा दे देना है, डबल कोट ओपन मस्क, डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए इस तरह आप कॉनकैटिनेट यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो हमारे वेबसाइट पे भी जाके आप एक्सेल प्रैक्टिस ऑनलाइन वेबसाइट पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सीट में नेक्स्ट फंक्शन या फॉर्मूला में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? हमने क्या सीखा? लेन सीखा, कॉनकैटिनेट सीखा, डेटेड इफ। डेटेड इफ क्या है? डेटेड इफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज मंथ्स और ईयर्स बिटवीन टू डेट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो डेट है तो उसके बीच में अगर डेज का डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आप डेटेड इफ यूज़ कर सकते हैं। मंथ का डिफरेंस, ईयर का डिफरेंस, तो आप डेटेड इफ यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं डेटेड इफ। सिंटेक्स क्या है? डेटेड इफ स्टार्ट डेट एंड डेट यूनिट। अब यूनिट का क्या मतलब यहाँ पे? DMY, डी मतलब नंबर ऑफ डेज इन अ पीरियड, एम मंथ कंप्लीटेड मंथ इन अ पीरियड एंड वाई कंप्लीटेड ईयर्स इन अ पीरियड। तो चलिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इक्वल टू डेटेड इफ। अब आप यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे तो एरर आएगा। तो आपको क्या करना है, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन करना है मैनुअली, देन स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट ब्रैकेट क्लोज नहीं कॉमा, देन आपको यूनिट देना है। ठीक है, यूनिट कैसे देंगे आप? डबल कोट में देंगे। डबल कोट को ओपन कीजिए, यहाँ पे डी टाइप करेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज चाहिए। कितना नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस है दोनों डेट में? देखिए 1, ये 5 दिसंबर है, ये 6 दिसंबर है, तो एक दिन का डिफरेंस है। सिमिलरली हम ईयर के मंथ के लिए भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा डबल कोट ओपन, यूनिट क्या मंथ के लिए अगर काउंट करना है तो एम देना है, डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। नंबर ऑफ मंथ का डिफरेंस यहाँ पे 11 है, नवंबर है, यहाँ पे दिसंबर है। नेक्स्ट हम ईयर के लिए भी हमको ट्राई कर लेते हैं। ईयर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे यूनिट को चेंज कर देना है वाई। देखिए 1 ईयर का डिफरेंस है, 2022 है 2023। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, तो हमारा हो गया लेन, कॉनकैटिनेट, डेटेड इफ। अब हम काउंट पे आते हैं। काउंट क्या करते हैं? काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स रहेगा उसको काउंट कर लेगा। काउंट का सिंटेक्स क्या है? काउंट वैल्यू 1 वैल्यू 2। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं काउंट फंक्शन। इक्वल टू
काउंट, एक्सेल में जब भी आपको फॉर्मूला देना है तो आपको इक्वल टू से स्टार्ट करना है, और इक्वल टू या प्लस आइकॉन से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। देखिए, इक्वल टू काउंट टैब वैल्यू वन कॉमा वैल्यू टू, क्या था काउंट फंक्शंस काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन्स नंबर, अगर नंबर रहेगा तभी काउंट करेगा। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है, देखिए टेक्स्ट को भी काउंट करता है क्या, जीरो, नहीं काउंट किया। तो अगर मैं यहाँ पे वन टाइप कर देता हूँ तो कितने नंबर से उसने काउंट कर लिया, या ब्लैंक को भी काउंट करेगा, यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया, नहीं काउंट किया। तो टेक्स्ट काउंट क्या करेगा, काउंट ओनली नंबर्स को काउंट करेगा सेल्स में, टेक्स को नहीं काउंट करेगा, ब्लैंक्स को नहीं काउंट करेगा। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हमने काउंट सीख लिया, लेन कॉन्कैटिनेट डेटेड इफ काउंट। अब काउंट ए पे, काउंट ए क्या है, काउंट द नंबर्स सेल्स दैट आर नॉट एम्प्टी इन रेंज, एम्प्टी को छोड़ के बाकी सबको काउंट करेगा। ए मीन्स ऑल हो गया, मीन्स स्पेस को छोड़ के बाकी सबको काउंट करेगा काउंट ए। सिंटेक्स क्या है, काउंट ए वैल्यू वन वैल्यू टू, अब हम यूज करते हैं इक्वल टू काउंट ए टैब, देखिए वैल्यू वन कॉमा वैल्यू टू, रिप्रेजेंट दे दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसने काउंट किया टू, सेल में दो वैल्यू, एक और दो। अब मैं यहाँ पे नंबर, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सिक्स, देखते हैं तो काउंट करता है, काउंट किया। अब मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, देखिए एम्प्टी उसने काउंट नहीं किया, तो ये बाकी सब कुछ एरर रहेगा तो भी काउंट करेगा, जैसे कुछ एरर रहेगा तो भी वो काउंट करेगा, और नंबर्स को भी काउंट करेगा, टेक्स्ट को भी काउंट करेगा, लेकिन ब्लैंक्स को नहीं काउंट करेगा। इस तरह आप काउंट ए फंक्शंस प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट पे हम आते हैं, हमारा हो गया काउंट ए, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करेगा, काउंट द नंबर्स ऑफ एम्प्टी सेल्स इन ए रेंज, जितने रेंज में अगर कोई भी सेल एम्प्टी है तो वो काउंट करेगा। तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे तो अभी फिलहाल कोई ब्लैंक नहीं है तो हम चेक कर लेते हैं, इक्वल टू काउंट ब्लैंक। अब मैंने पूरा रेंज दे दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर, इसमें कुछ एरर है लगता है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं काउंट ब्लैंक और रेंज स्पेसिफाई कर देते हैं, ये देखिए जीरो जीरो ब्लैंक। अब मैं बीच में कुछ सेल्स में डिलीट करता चाहता हूँ डेटा, वन ब्लैंक टू ब्लैंक थ्री ब्लैंक, इन काउंट ब्लैंक पूरा ब्लैंक काउंट करेगा रेंज में जो भी ब्लैंक रहेगा। इस तरह आप काउंट ब्लैंक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। काउंट ब्लैंक का सिंटेक्स क्या, काउंट ब्लैंक और रेंज को स्पेसिफाई कर दीजिए तो जितने भी ब्लैंक रहेगा वो काउंट कर लेगा। नेक्स्ट पे अब हम आते हैं, नेक्स्ट है यूनिक। यूनिक फंक्शन रिटर्न द लिस्ट ऑफ यूनिक वैल्यू इन ए लिस्ट रेंज, आपके पास रेंज है उसमें डुप्लीकेट्स है तो यूनिक को फाइंड आउट करेगा और वो देगा। इसके लिए आप दो चीज़, पहले हम क्या यूज़ करते थे, डुप्लीकेट रिमूव यूज़ करते हैं, लेकिन आप यूनिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यूनिक का सिंटेक्स क्या, यूनिक एरे बाय कॉलम एग्जैक्टली वंस इक्वल टू यूनिक। यूनिक फॉर्मूला एक्सेल 21 में और 365 में अवेलेबल है शायद, अगर आपके पास ओल्ड वर्जन रहेगा तो उसमें नहीं रहेगा, तो आप नॉर्मल रिमूव डुप्लीकेट्स ऑल्ट ए एम करके यूज़ कर सकते हो। यूनिक अब एरे दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अभी हमें कैसे समझेगा कि उसने यूनिक वैल्यू, तो हम क्या करते हैं काउंट ए यूज कर लेते हैं। यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 21, सिर्फ 21 यूनिक वैल्यूज है, मीन उसने डुप्लीकेट्स को निकाल दिया। तो इस तरह आप यूनिक प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हैं, आप रेंज को सेलेक्ट कीजिए, ऑल्ट ए एम प्रेस कीजिए, कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन कीजिए, रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके ओके, देखिए यहाँ पे भी 21 हो गया। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ। थैंक यू सो मच।